पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र कसरावद के गांवों का सघन जनसंपर्क किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यादव ने कामखेड़ा, भोपाला, कमोदवाड़ा, सहजला, सुरवा, किरगांव और मुल्ठान में खेतों में पहुंचकर बर्बाद हुई फसलों को देखा। यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन गांवों में किसानों की फसल नुकसानी का सर्वे कराकर उन्हें नियमानुसार नुकसानी का मुआवजा प्रदान करें। यादव ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसानों को बर्बाद हुई फसलों का प्रदेश सरकार से लाभ दिलाया जाएगा। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, कोरोना महामारी के बाद अनियमित बारिश से जनता, व्यापारी और किसान सभी त्रस्त हैं और किसानों की जो ऋण माफ़ी की समस्या भी अभी बाकी है। ऐसे में किसान और आम जनता जो है एक मजबूत विपक्ष को तलाश रही थी और आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें जाग रही हैं, तो आपने भी क्षेत्र का लगातार मैराथन दौरा किया है, तो क्या देखा और क्या निकल के आ रहा है सामने? देखिए, निश्चित रूप से जो कोरोना वायरस का जो महामारी पूरे देश और प्रदेश में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो किसान साथी है, हमारे जो छोटे मजदूर साथी हैं, हमारे छोटे व्यापारी हैं, सभी लोग दुखी और परेशान हैं। और विशेष करके अगर हम हमारे किसान और मजदूर साथियों की बात करें तो एक आर्थिक संकट के दौर से हमारा किसान, हमारा मजदूर साथी गुजर रहा है। ऊपर से एक तरफ तो हमारा किसान कोरोना की महामारी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ अति वर्षा के कारण हमारे किसान साथियों की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं और बाढ़ के कारण हमारे क्षेत्र के कुछ किसान, कुछ गांवों में जो है बाढ़ का पानी भी लोगों के घरों में घुसा है और उससे भी भारी नुकसान जो है अभी देखने को मिला, जिसका जायजा लेने के लिए आज हम और हमारे तमाम साथी मिलकर के गए हैं। आज प्रशासन के लोग भी हमारे साथ में थे और हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, चाहे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हों, चाहे बाढ़ के पानी के कारण लोगों के घरों में रखा हुआ सामान प्रभावित हुआ हो, उन सबका विस्तार रूप से जो है उनकी उनका सर्वे किया जाए और सर्वे के पश्चात जो है उनको मुआवजा दिया जाए, और ताकि जो हमारा किसान है, हमारा जो मजदूर साथी है, वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके और इस कोरोना के दौर में, इस कोरोना के संकट में जो है अपने आप को और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस क्षेत्र में कहीं मिर्ची पे वायरस की समस्या से भी किसान बड़ी तरह से ग्रसित है, तो इसके लिए कोई? निश्चित रूप से देखिए, मिर्ची जो हमारे एक प्रमुख फसलों में से हमारी है, उस पर वायरस की शिकायतें जो है हमारे किसान साथियों के द्वारा लगातार हमारे पास में आ रही है। उसका भी हमने सर्वे कराने का काम हमने प्रशासन और अधिकारियों को लिख करके हमने भेजा है, उसका सर्वे भी कराया जाएगा। और ना सिर्फ मिर्च बल्कि बाकी भी अन्य फसलें, चाहे कपास की फसल हो, चाहे मक्के की फसल हो, मक्के में इल्ली के प्रकोप की लगातार सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। सोयाबीन है, सोयाबीन में भी जो है अफलन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, पीलापन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, येल्लो मौजत की शिकायतें प्राप्त हो रही, तो ये तमाम शिकायतें हमारे पास में प्राप्त हुई है। हमारे तमाम साथी जो हैं मिलकर के प्रशासनिक अमले के साथ में मिलकर के जो है सर्वे में उनका सहयोग करेंगे और किसानों को मजबूती प्रदान करने के, उनको आर्थिक मदद देने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।